विराट कोहली की वापसी से कटेगा इस खिलाड़ी का पत्ता, शुभमन गिल भी हो सकते हैं बाहर। देखिए संभावित प्लेइंग 11। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा T20 आज यानी रविवार 14 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को अपने नाम कर भारत की नजरें सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी। सीरीज का आगाज मोहाली में खेले गए मुकाबले से हुआ था, जहां टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। इंदौर T20I में भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव तय है। इस मुकाबले से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी हो सकती है। शुभमन गिल पर भी टीम इंडिया से बाहर होने का तलवार लटक रहा है। कोहली ने निजी कारणों के चलते सीरीज का पहला मुकाबला मिस किया, मगर वह अब टीम के साथ जुड़ गए हैं और पूरी तरह से अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। विराट कोहली की वापसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके आने से किस खिलाड़ी का पत्ता कटेगा। इस सवाल का जवाब विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन पर निर्भर करेगा। अगर आगामी T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट विराट कोहली को बतौर ओपनर देख रही है, तो वह कप्तान रोहित शर्मा के साथ इंदौर में पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से शुभमन गिल का पता कटना तय है। वहीं अगर कोहली अपने नियमित नंबर 3 पर खेलते हैं तो तलवार तिलक वर्मा पर चल सकती है। वहीं यशस्वी जायसवाल की उपलब्धता पर भी सवाल है। मोहाली में यशस्वी जायसवाल चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी चोट कितनी गंभीर है इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अगर वह आज के मुकाबले के लिए उपलब्ध रहते हैं तो शुभमन गिल टीम से बाहर हो सकते हैं। वहीं बॉलिंग यूनिट में भी भारत लोकल बॉय आवेश खान को मौका देकर बदलाव कर सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आवेश किसकी जगह टीम में आते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार होंगे।